my dear students goods dominant logic service dominant logic from goods marketing to the services marketing and from services marketing to service marketing see how the management theories are being developed and when new paradigms are being developed new logic new argument has to be presented and that's what are converted into new concepts, new constructs. You will collect the data and testify whether it holds or not, whether this argument is true or not. If it is true, it will hold. As we were talking about quality management and quality assurance and quality control in the manufacturing goods, so is true in the service side service quality and service delivery and its quality so this means when we are talking about services marketing which is different than service marketing in sd logic services marketing quality movement also affected the services market which means, the basic principle is that the customer will decide whether I receive a quality service or not. Quality is determined by the customer. <laughs> goods me kya hota tha? Factories producing goods, you will controlling the and you will managing and you will.

केस ऑफ सर्विस बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्रोवाइडर एंड यूजर वो फैक्ट्री तो थी ना मुल्तान रोड पर और प्रोडक्ट जो था वो अनारकली में था या फैक्ट्री तो थी शेरशाह में और प्रोडक्ट जो है वह मेमन मार्केट में था कराची इसी तरह से मुल्तान की एग्जाम्पल ले लीजिए सखर की एग्जाम्पल ले लीजिए

एंग्री भी होगा शाउट भी करेगा वही मौजूद है ना प्रेमिस के अंदर मौजूद है ब्यूटी सलोन के अंदर मौजूद है क्लास के अंदर मौजूद है डॉक्टर और पेशेंट सामने बैठे हुए हैं और जब वो शाउट करेगा तो दूसरे लोग भी सुनेंगे और वो फैसला करेंगे कि अच्छा ये डॉक्टर है या ये कोई जालिम सर्जन है मार्केटिंग मार्केट इफेक्ट होगी ना वर्ड ऑफ माउथ खराब होगा दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन गोज हाई वाई बिकॉज द डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी आर डिफरेंट देन द गुड्स क्वालिटी और इसको हम याद करते हैं कि सर्विस की क्वालिटी को अगर आपने डिटरमिन करना हो तो रेटर का लफ्ज याद रखिए आर ए टी ई आर रेटर सर्विस की क्वालिटी रेटर के जरिए से रेट कीजिए ये जो पांच लफ्ज हैं ये पांच लफ्स सर्विस को डिफाइन करते हैं फर्स्ट आर इज अबाउट रिलायबिलिटी इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रमिज सर्विस वो जो मैंने लिख के लगाया हुआ है ना कि मैं एमबीबीएस हूं मैं पीएचडी हूं मैं आईटी का टेक्नीशियन हूं मैं मोबाइल फोन का रिपेयर करने वाला हूं डू आई हैव दबिलिटी टू परफॉर्म इज इट रिलायबल नंबर वन नंबर टू रिस्पॉन्सिवनेस विलिंगनेस to help the customers and provide prompt service a is for assurance knowledge and courtesy of the employees and their ability to convey trust and confidence in customer assurance e empathy केयरिंग इंडिविजुअलाइजिंग आप जाते हैं ना हेड सलोन में सबके साथ वो कहानी सुनाता है सबकी कहानी अलग अलग सुनाता है इंडिविजुअल और जिसकी कहानी इंडिविजुअल सुनाई जा रही है उसको ज्यादा टिप भी देकर जाता है अटेंशन सो देट कस्टमर्स आर मोर सेटिस्फाइड और इसमें टी जो है इस फॉर टैचबिलिटी कि जाते जाते कोई टेंजिबल चीज भी दे दे कोई टॉफी दे दे कोई लिखा हुआ अपने हाथ के नोट्स की फोटोकॉपी दे दे कोई डिस्क दे दे कि जी मैंने ये लेक्चर इस डिस्क पे कॉपी करके दे दिया है तो वो जब कस्टमर लेके जाएगा वो सारी चीजें रेटर के अंदर जब उसको कंबाइन करेगा तो वो कहेगा कि हाँ मुझे क्वालिटी की सर्विस मिली See how it is different than goods? And that's why later on, in 2004 onward, services marketing ki bajay, service marketing ka area emerge ho ra. Hai, and my dear students, watch for this logic, and this new theory of SD logic is going to be converted into a new discipline of service science. Thank you very much.